हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। असेसमेंट और इवेल्युएशन, इन दोनों टर्म्स को एजुकेशन के फील्ड में क्वाइट कॉमनली यूज़ किया जाता है। वाइल दे आर रिलेटेड, पर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं उन डिफरेंसेस को यूजिंग एग्जाम्पल्स। असेसमेंट एक तरह की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन और एविडेंस को इकट्ठा करते हैं राउंड द ईयर। पर किस लिए? कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में क्या जानता है, क्या समझता है, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स कैसे हैं। इसके लिए एक टीचर कई तरह के टूल्स और मेथड को यूज़ करता है, जैसे क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्विजेस एक्सेट्रा। एक असेसमेंट टीचर को किस तरह से हेल्प करता है? असेसमेंट टीचर को यह बताता है कि वह कौन से एरियाज हैं जहाँ पर स्टूडेंट को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइमरी क्लास का टीचर एक दिन एक शॉर्ट क्विज लेता है 3-डिजिट एडिशन के ऊपर। यह टॉपिक वह टीचर लास्ट वीक पढ़ा रही थी और वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। क्विज का क्या पर्पस था? टीचर यह जानना चाहती थी कि स्टूडेंट किस एरिया में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट को एडिशनल सपोर्ट या क्लासेस की जरूरत है या नहीं। टीचर को क्विज सीट चेक करने पर पता चलता है कि अधिकांशतः स्टूडेंट कैरी ओवर या हासिल लेने वाले प्रश्नों पर गलतियाँ कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली टीचर अब अपने फ्यूचर के लेसन प्लान्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकती है। यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि असेसमेंट राउंड द ईयर चलता रहता है। अब आते हैं इवेल्युएशन पर। इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन भी एक तरह की प्रोसेस है, पर एक ब्रॉडर प्रोसेस, जहाँ पर एक टीचर साल भर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और साल के अंत में कोई सिंगल जजमेंट या मल्टीपल जजमेंट्स उस कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन के बेस पर लेती है। पर किस बारे में जजमेंट? यह जानने के लिए कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस या क्वालिटी कैसी थी एजुकेशन प्रोग्राम की, उनका एकेडमिक करिकुलम कितना इफेक्टिव था, क्या क्लासरूम के लिए जो लेसन प्लान डिज़ाइन किए गए थे वो बच्चों के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे थे या नहीं, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा था, क्लासरूम का परफॉर्मेंस कैसा था। यह मोस्टली एकेडमिक ईयर के अंत में होता है और इसके अंदर स्टूडेंट को ग्रेड्स या मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल, साल के अंत में एक टीचर हर एक स्टूडेंट की साइंस के सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहती है। पर कैसे? वह उनके साइंस के प्रोजेक्ट्स, यूनिट टेस्ट में उनके मार्क्स, उनकी क्रिएटिविटी, क्लास में उनका पार्टिसिपेशन, टीम वर्क एक्सेट्रा को देखती है, फिर हर एक स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली ग्रेड्स या मार्क्स को असाइन करती है। यह इवेल्युएशन एक तरह से स्टूडेंट के साल भर की समरी है। असेसमेंट और इवेल्युएशन, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस यह भी है कि असेसमेंट फॉर्मेटिव है, यानी यह कंटिन्यूसली चलता रहता है साल भर, और टीचर यहाँ पर लर्निंग गैप्स को एनालाइज करते हुए कंटिन्यूसली स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। जबकि इवेल्युएशन समेटिव है, यानी एक तरह से साल भर की परफॉर्मेंस समरी है स्टूडेंट की या ओवरऑल एकेडमिक प्लान की। साल के अंत में और जनरली एक ही बार यह होता है, टीचर यहाँ पर वैल्यू जजमेंट लेता है कि कौन स्टूडेंट किस सब्जेक्ट और किस एरिया में फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया और कौन फेल हो गया। अल्टीमेटली असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों ही स्कूल में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करते हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।